हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज और उसके बाद में आयत के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर दी थी। आज हम सीखेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज के बारे में जितने भी जो अंदर के जो टॉपिक आते हैं, किस तरह की उसकी कंडीशन रहती है, उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सम चतुर्भुज के बारे में, जो कि जो चतुर्भुज टॉपिक चल रहा है उसका ये क्या है, पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का अर्थ क्या होता है, सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो सम चतुर्भुज, सबसे पहले इसकी आकृति किस तरह की होती है। सम चतुर्भुज है, सम यानी समान, चतुर्भुज यानी चार भुजाएं। समझ में आ गया, यहीं से इसका उत्तर मिल गया आपको। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी, यानी इनके शब्दों में इसका अर्थ छिपा है वो है आपको ढूंढना। सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ क्या होता है, समान। चतुर यानी चार, चतुर्थ यानी चार, भुज यानी भुजाएं, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, हम सम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन यहां से आ जाएगी, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। तो चारों भुजाएं समान हो, एक तो कंडीशन ये होगी, जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर हो। तो ऐसा जो आकृति बनती है उस आकृति को हम क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जिनकी भुजाओं की लंबाई तो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी इन भुजाओं की लंबाई तो सदैव क्या होगी, बराबर होगी। और आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी। कैसी होगी, आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो यहां देखने पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही, ये सर समांतर चतुर्भुज की जो कंडीशन है उनको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। कैसे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। दोनों दो भुजाएं आमने सामने है तो दोनों क्या है, समांतर। ये वाली दोनों भुजाएं भी क्या है, समांतर। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं इसको हम, कि जो सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज एक प्रकार का क्या है, समांतर चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज एक प्रकार का क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर समांतर चतुर्भुज देखने को मिल रहा है। यानी सम चतुर्भुज एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों होता है, तो उसका उत्तर आपको मिल गया होगा, क्योंकि सर जो समांतर चतुर्भुज की जितनी भी डेफिनेशन है उनको लगभग लगभग ये पूरा तरीके से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। यानी जो इसके लिए कंडीशन चाहिए वो सारी सारी इसमें है, यानी इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज एक प्रकार का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है। सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपके पास में। उसके बाद में दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि सर इसकी जो समांतर चतुर्भुज के बाद में जो ये सम चतुर्भुज होता है, इस सम चतुर्भुज में चारों ही भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, चारों भुजाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के, और बी सी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, और सी डी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर। यानी चारों ही भुजाएं कैसी होगी, बराबर होगी। अगर कोई सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज में चारों ही भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। सम चतुर्भुज में क्या होती है, चारों ही भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या मिल गई, कि चारों ही भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन देखते हैं,
तीसरी कंडीशन क्या कहती है, इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर। तो ए बी भुजा किसके समांतर हो जाएगा, सी डी भुजा के समांतर हो जाएगी। ए बी भुजा सी डी को चाहे डी सी को इसके समांतर हो जाएगी। उसी प्रकार से जो ए डी है, ए डी समांतर हो जाएगी किसके, बी सी के समांतर हो जाएगी। किसके बराबर समांतर हो जाएगी, बी सी के समांतर हो जाएगी। यानी ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये कैसी होती है, समांतर होती है। उसके बाद में क्या होता है, ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी आमने सामने के कोण हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो चौथी कंडीशन हम इसको मिटा के लिख लेते हैं, मिटा दो यहां से। एक बार नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। तीन कंडीशन हमने देख ली, चौथी कंडीशन क्या देखते हैं कि जो ये समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज में आमने सामने के, इसके सामने कौन है ये, इसके सामने कौन है ये, यानी आमने सामने समचतुर्भुज में आमने सामने, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोई समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होंगे, आमने सामने के कोण वो हमेशा कैसे होंगे, बराबर। कैसे कि कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा। यानी समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में जो आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण, मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण कौन है, कोण सी। कोण सी भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इसके अलावा ये जो कोण है, इस कोण के बराबर में कौन सा कोण हो जाएगा, ये जितना डिग्री होगा वो भी इस, ये भी डी वाला भी कितना होगा, जितना भी होगा उतने के बराबर में ये भी कोण बनेगा। तो ये आमने सामने के कोण ये भी कैसे होंगे, बराबर माप के होंगे। तो चौथी कंडीशन क्या होती है कि समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद में पांचवी कंडीशन लिख लो इसको, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज बनाते एक बार वापस, समांतर चतुर्भुज और ये कौन सा है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। कौन सा चतुर्भुज बना दिया हमने, समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज किसे कहते हैं वो आपको पहले ही पता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आमने सामने की कोण देख लिया, आमने सामने की हमने भुजा देख ली, उसके बाद में क्या कहते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज की कोई सी भी एक भुजा ले लो, एक भुजा पर बनने वाले जो दोनों कोण है, एक भुजा पर दो ही कोण बन सकते हैं, एक भुजा पर बनने वाले दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो पांचवी कंडीशन क्या लेनी है हमारे को कि समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में एक ही भुजा, अब एक ही भुजा कोई सी भी हो सकती है, इसका मतलब मैंने ये ले लिया इसका मतलब यही नहीं, एक भुजा ये भी ले सकते, एक भुजा ये भी ले सकते, एक भुजा ये भी ले सकते, यानी एक भुजा कोई सी भी ले सकते। ये भुजा ले लोगे इसके इससे अटैच दो कोण ये वाले, ये भुजा ले लोगे इससे अटैच दोनों ये कोण, ये भुजा ले लोगे इससे दोनों जुड़े हुए कौन सा कोण है, ये दो कोण। यानी सम चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने, भुजा पर बने दोनों कोणों का योग, योग सदैव, सदैव कितना होगा, सदैव 180 डिग्री होता है। यानी कि कोई समचतुर्भुज में कोई सी भी एक भुजा ले लो, उस पर बनने वाले जो दो कोण होंगे, उन दो कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोई सी भी एक भुजा लेंगे और उस पर बनने वाले जो दो कोण होंगे, उन दो कोणों का योग
हमेशा कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी वो कौन सी कंडीशन होगी, पांचवी कंडीशन हो गई। अब छठी कंडीशन ले लेते हैं, यही तो आपका समचतुर्भुज यही ले लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं, विकर्ण खींच दिया, एक तो ये ए विकर्ण खींच दिया मैंने, ये दोनों विकर्ण खींच लिए। तो ये दोनों विकर्ण जो है कैसे एक दूसरे को कैसे समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित, यानी हमेशा कैसे डिग्री कोण पर काटेंगे, 90 डिग्री के कोण पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। किसमें, समचतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को कैसे काटेंगे, 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। कैसे, 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटेंगे, लेकिन कैसे 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, कैसे करेंगे, लंब समद्विभाजित करेंगे। तो इसमें क्या होता है, किसमें, समचतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में तो बांटते हैं ही है, समद्विभाजित यानी समान दो भागों में तो बांटते ही, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को, जब एक विकर्ण से दूसरे विकर्ण खींचेंगे तो दो भागों में तो समान दो भागों में तो बांटेंगे, लेकिन कैसे बांटेंगे, लंब समद्विभाजित, लंब का मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को कितने डिग्री के कोण पर बांटेगा, 90 डिग्री के कोण पर बांटेगा। इसलिए हमने क्या लिखा कि जो समचतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री का मतलब लंब समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित यानी समान समान दो भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित कर क्या आता है, समान दो भागों में बांटते हैं, और कैसे, लंब यानी 90 डिग्री के कोण पर समान दो भागों में बांटते हैं, किसमें, समचतुर्भुज में, कौन, विकर्ण, विकर्ण जो है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 90 डिग्री के कोण पर काटता है और दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, किसमें, समचतुर्भुज में। तो एक कंडीशन आपके दिमाग में ये भी होनी चाहिए। आगे बढ़े, सातवीं कंडीशन क्या कहती है, सातवीं कंडीशन ये कहती है विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ये तो हमने देख ली कौन सी कंडीशन, छठी कंडीशन। सातवीं कंडीशन ये कहती है कि जो विकर्ण है ए बी सी डी, इन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होना कोई आवश्यक नहीं है। ये मान लीजिए आपका समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज में ये एक तो विकर्ण आपने ये खींचा और एक विकर्ण आपने ये खींचा, तो ये दोनों विकर्ण जो खींचे आपने, एक ए बी सी और डी, ए विकर्ण तो आपने ए सी खींचा, एक आपने बी डी खींचा, इन दोनों का दोनों विकर्ण बराबर होना क्या है, आवश्यक नहीं है। यानी क्या लिखेंगे इसमें, विकर्ण की विकर्णी विकर्णों, क्योंकि दो विकर्ण है, तो यानी विकर्णों की लंबाई बराबर होना आवश्यक नहीं है, विकर्णों की लंबाई बराबर होना आवश्यक नहीं है। यानी दोनों जो अपने सम चतुर्भुज में दोनों विकर्ण खींचेंगे, उन दोनों विकर्णों की लंबाई अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए ये विकर्ण खींचा, इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर हो सकता है। दोनों ही विकर्णों की लंबाई, इस विकर्ण की लंबाई और इस विकर्ण की लंबाई बराबर हो, ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है। दोनों ही विकर्णों की लंबाई अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसके आगे बढ़े, ये नोट कर दो आप अपनी कॉपी में, आगे बढ़े। आठवीं कंडीशन, ये आपकी आठवीं कंडीशन, आठवीं कंडीशन कुछ ऐसे कहती है कि ये आपका कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज है, ठीक है, कौन सा चतुर्भुज हो गया आपका, समचतुर्भुज। और इसमें आपने क्या खींचा, यहां पर कोई ये कोण था,
ये कोण था। आप विकर्ण जब खींचोगे इस तरीके से, विकर्ण खींचोगे तो ये विकर्ण जो है इस अंत्य कोण को क्या करेगा, दो समान भागों में विभाजित करेगा, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। उसी प्रकार से ये आपका कोण, ये दूसरा कोण, जैसे ही आप एक विकर्ण खींचोगे, ये विकर्ण जो है इसको कोण को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। विकर्ण को क्या, विकर्ण क्या करेगा, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा। मान लीजिए ये 60 है, मान लीजिए पूरा जो कोण था ये 60 डिग्री था, जैसे ही आप विकर्ण खींचोगे तो ये दो बराबर भागों में बांट लेगा, यानी 30-30 डिग्री कोण पर ये क्या कर देगा, बांट देगा। किसमें, समचतुर्भुज में, किसमें, समचतुर्भुज में। क्या लिख सकते हैं, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में विकर्ण खींचने पर वह अंतः जो कोण है, अंतः कोणों को समद्विभाजित, यानी समान दो भागों में समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब दो समान भागों में समद्विभाजित, समान दो भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है। आठवीं कंडीशन क्या हो जाएगी, समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में जैसे हम विकर्ण खींचेंगे तो वो विकर्ण जो होगा, वो जो अंतः कोण होंगे उन अंतः कोणों को कितने भागों में विभाजित कर देगा, दो बराबर भागों में, यानी समान दो भागों में विभाजित कर देगा। तो वो ऐसी कंडीशन किसमें आएगी, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में विकर्ण जो है, जो अंतः कोण है उसको कितने भागों में, बराबर भागों में बांट देते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। कौन, विकर्ण, किसको, समचतुर्भुज में अगर हम विकर्ण खींचते हैं तो वह अंतः कोणों को दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे और सीखेंगे नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।